हेलो धुंधार जी, मैं क्या सुन रहा हूँ? चावदार कबीले के सिपाही से तेरा झगड़ा हुआ है? बिल्कुल सही सुना। तू तो चावदार कबीले के सिपाहियों का ख्याल रखता है ना? बिल्कुल रखता है। तो फिर तू उसे झगड़ा क्यों कर रहा था? अपने सिपाहियों की तरबियत भी कर रहे हैं। तेरी तरबियत का हम सबको पता है। वैसे भी तू तक इनके बाद घुसेले का मेडल तुझे मिलना है ना? जी हाँ। इसका मतलब तू उनको तरबियत की कमी नहीं होने देगा। मेरा मतलब है उनको बहुत मार पड़ने वाली है तरबियत सीखने के लिए। जी हाँ, सिपाहियों को तरबियत की बहुत जरूरत है। तो उनको तरबियत के बाद खाना भी खिलाता है कि नहीं, या भूखा मारता है? जरूर। मुझे वैसे तेरे पे भरोसा तो। आइए चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे भरोसा है तेरे पे। वैसे भी मैं वहाँ जाके तेरे सिपाही को मार ही ना दूँ। मेरा मतलब है वो मुझे ही ना मार दे। जरूर। और हाँ, तेरा एक सिपाही बोल रहा था कि तू उन पे बहुत तशद्दुद करता है। अगर अभी इन पे जोर ना दिया तो जंग में मारे जाएंगे। और वो ये भी बोल रहा था कि वो मुस्टंडा हर बात पे डांटता रहता है, कोई खेल नहीं। और उनमें से एक ये भी बोल रहा था कि कुतलोजा इससे बेहतर था। और कह रहा था इस मुस्टंडे को सिर्फ डांटना आता है, सिखाना नहीं। और एक ये भी कह रहा था सिर्फ खाना ही खा सकता है ये। तरबियत ऐसे ही होगी इनकी। तो उसामा, तो धुंधार तू मुझे ऐसा कर बोल ही दे कि मैं उनको क्या कहूँ। भाई कबीले वालों को देखकर सीखो कुछ। ठीक है, बता दूंगा। लेकिन वो सब चिड़ियों की तरह चूं चूं करना शुरू कर गए हैं। और धुंधार, हाँ मुझे कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि ये पागल हॉस्पिटल से है। बकवास अपनी, तरबियत ऐसे ही होती है। और मेंटल हॉस्पिटल वाला कैदी हम सब पे जुल्म कर रहा है। जालिम कहा तुमने मुझे? मैंने नहीं, उसने कहा। अगर तेरा कोई उनके लिए पैगाम है तो मुझे बता दे। ना तो इन्हें तलवार पकड़ना आती है, ना अपनी हद जानते। चल ठीक है, लेकिन तू भी बड़ा जालिम है। सही, चावदार कबीले के सिपाहियों को ठोकता होगा, इसलिए तो तेरी शिकायत कर रहे हैं। सारा इल्जाम मुझे दे रहे हैं आप, उन्हें कुछ क्यों नहीं कहते? अभी धुंधार तो इस वक्त मुझे गुस्से में लग रहा है तू तक इनकी तरह, तो इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ थोड़ा सा पानी पी ले। तो लाइए फिर, थोड़ा पी लेता हूँ मैं। क्या लाइए फिर? क्या मैं मोबाइल तोड़ के अंदर पानी तुझे देने आऊँ? नो करूँ तेरा। मेरा मतलब है कि तू वहाँ कबीले से ले ले। चल ठीक है धुंधार, अल्लाह खुश रखे। तो दोस्तों, जिस जिस को ये धुंधार का एपिसोड पसंद आया तो वो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन तो लाजमी ही दबाए। तो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करना, इसमें आपका ही फायदा है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी और धुंधार की तरफ से अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।